कल्पना कीजिए कि आप किसी और देश गए, आप विदेश में हैं, वहाँ पे किसी कारणवश आपकी जितनी जमा पूंजी है, आप जितना पैसा लेके गए थे और जितनी भी सेविंग्स आपकी हैं, सारा पैसा आपका किसी कारणवश वहाँ पे सीज कर लिया जाता है। आप पराए देश में हैं, आप वहाँ लोगों को जानते नहीं हैं, आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, मानवाधिकार संगठनों को अप्रोच करते हैं कि आपको कोई मदद मिल जाए, पर आपको कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपके पास आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, उस हालात में आप क्या करेंगे? मेरा नाम अखिल कुमार है, मैं द वायर से हूँ और आज मैं आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाने जा रहा हूँ जो इस कल्पना को साक्षात जी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रऊफ रहीमी की, जिन्हें आप फ्रेम में देख सकते हैं सफ़ेद टी शर्ट में। ये अफ़गानिस्तान के हेरात प्रोविंस से हैं और ये एक अफ़गान रिफ्यूजी हैं इस देश में। ये आए थे 9 महीने पहले इंडिया, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत कम्युनल वायलेंस, धार्मिक जो धर्म के नाम पे जो वायलेंस होता है उसको फेस करना पड़ा था, तो वो वहाँ से भाग के आए थे। क्योंकि इनकी एक छोटी सी 14 साल की बच्ची भी है, तो वहाँ के कुछ कट्टरपंथी जो इनको परेशान कर रहे थे, इनके फैमिली को परेशान कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि इनकी 14 साल की बच्ची को एक 50 साल के बूढ़े मर्द के साथ दे दिया जाए, उसके साथ शादी करा दी जाए। इन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ अपील करने की कि ऐसा ना हो, मदद मांगने की, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये वहाँ पे फार्मेसी चलाते हैं, इनकी दवाई की दुकान है वहाँ पे। ये बता रहे हैं मुझे कि उनकी फार्मेसी की दुकान में बम लगा दिया गया और उनकी दुकान को भी उड़ा दिया गया, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो भाग के भारत आ गए ये सोचते हुए कि इन्हें यहाँ कुछ बेहतर माहौल मिलेगा, यहाँ पे कुछ मदद मिलेगी। पर यहाँ वो 2.5 लाख रुपए लेके आए थे और उसके बाद वो पैसे उनके जल्दी ही खर्च हो गए, क्योंकि यहाँ पे इनको एक घर लेना पड़ा रहने के लिए, यहाँ का अलग इनका खर्चा था, ट्रैवलिंग का खर्चा था, सब कुछ था। वो यहाँ पे आए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन जो है उसके पास भी आए, उनसे भी मदद मांगी, उनको बहुत बार इन्होंने चिट्ठी लिखी कि इनको कुछ यहाँ सेटलमेंट कर दिया जाए, रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाए। UNHCR के प्रतिनिधियों से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने बोला कि उन्होंने इनसे मिले भी थे, इनको अश्योर किया है, इनको प्रॉपर काउंसलिंग दी है, कि उन्होंने अपनी तरफ से हर मदद करने की कोशिश की है। पर ये मुझे बता रहे हैं कि 9 महीने से इन्होंने 100 चिट्ठियाँ लिख दिए हैं, हर महीने आ रहे हैं, पर इनको सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही मिल रही है, इनको कोई जो रियल मदद है वो नहीं मिल पाई है। तो ये यहाँ जब आ गए, उसके 2 महीने बाद इन्हें पता चला कि इनकी माँ की तबीयत, माँ इनकी अफ़गानिस्तान में ही थी, तो उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम इलाज करा देंगे, यहाँ पे इलाज सस्ते में अच्छे से हो जाता है। तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनकी उन्होंने बोला अपनी माँ को कि वहाँ की हमारी सारी ज़मीन बेच दो और जितनी भी जमा पूंजी है सारे पैसे लेके यहाँ पे आ जाओ। तो ये बात अक्टूबर की है, तो इनकी माँ ने वैसा ही किया, इनकी माँ ने ज़मीन बेच दी वहाँ पे, और अराउंड 10 लाख रुपए, 9,67,000 रुपए अगर सटीक बताऊँ तो, 9,67,000 रुपए कैश लेके वहाँ पे इंडियन करेंसी में एक्सचेंज कराया उन्होंने प्राइवेट मनी एक्सचेंजर के थ्रू, और 1,000 के नोट में 967,000 के नोट लेके उन्होंने रख लिए कि यहाँ पे आएंगी। फिर उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, जिसका 25-30 दिन लग जाता है वहाँ वीज़ा मिलने में, तो उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो उस दौरान ही यहाँ पे मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी के कारण वो करेंसी तो वैलिड रही नहीं। उनकी माँ को ये बात पता नहीं थी, इनको ये बात पता चली तो इन्होंने तुरंत फ़ोन किया वहाँ, बोला कि माँ सारा जो पैसा है प्लीज़ किसी तरह बैंक के थ्रू या किसी तरह और तरह से भेज दो, क्योंकि यहाँ पे वो वैलिड करेंसी नहीं है। तो इनकी माँ ने कोशिश की वहाँ पे, वो जगह जगह गई, अथॉरिटीज से मिली, प्राइवेट इनसे मिली, प्राइवेट तरीके ढूंढने की कोशिश की कि किसी तरह वो करेंसी ऑनलाइन इधर आ जाए, पर सब ने मना कर दिया और इनको फाइनली वो मिल नहीं पाया। तो उनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी, तो उन्हें जल्दी ही आना भी पड़ा इधर। तो वो सारा नोट वैसे ही लेके, 1,000 का नोट बिना एक्सचेंज कराए लीगल करेंसी में, वो वैसे ही लेके आ गई।
उसके बाद जब वो यहाँ पे पहुँची तो कस्टम्स ने, कस्टम्स डिपार्टमेंट ने IGI-T3 पे उन्हें बोला कि यहाँ पे उनको कोई करेंसी लिमिट के बारे में नहीं पता था कि इतनी करेंसी लिमिट है जो कि फॉरेन नेशनल्स लेके यहाँ पे आ सकते हैं। उनको इस बारे में बिल्कुल भी कोई खबर नहीं थी। मुझे ये बता रहे हैं, रहीमी जी बता रहे हैं। तो जितना भी पैसा था वो लेके सब आ गए यहाँ पे। तो कस्टम्स ने उन्हें पूछताछ की और वो सिर्फ और सिर्फ फारसी बोलती हैं, उन्हें और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, उन्होंने डिक्लेयर करने बोला, उनको समझ में नहीं आया क्या बोला है, तो वो डिक्लेयर नहीं कर पाई ढंग से, ऐसा ये मुझे बता रहे हैं। तो कस्टम्स ने उनका सारा पैसा सीज कर लिया और सीज करके बोला कि आप इलीगल टेंडर जो है, 1,000 का नोट यहाँ चलता नहीं है, वो सब इतना सारा लेके आ रहे हैं, आप जो कैश लिमिट है उसको भी क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे हैं। तो उल्टा उन पे 2 लाख रुपए का फाइन कर दिया, सारे पैसे भी रख लिए और 2 लाख रुपए का फाइन भी कर लिया। तो उस समय रहीमी जी बता रहे हैं वो एयरपोर्ट के बाहर ही थे, उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की पर ताकि वो समझा सकें कि क्या मामला है, क्या मसला है, पर उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, उनको परमिशन नहीं मिली। तो उसके बाद से फिर ये लोग दर दर भटक रहे हैं, दिल्ली में जगह जगह जा रहे हैं कि उनको कोई मदद मिल जाए कहीं से। इनके पास लेटर्स हैं जो इन्होंने मुझे दिखाए हैं, जो इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखा है, PMO को लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को लिखा है, राष्ट्रपति को लिखा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है, MEA को लिखा है, सबको लिखा है। और ये बोल रहे हैं कि ये बार बार जाते रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, तो फिर भी इनको कोई मदद मिल नहीं पा रही है। मैं इनसे अभी कुछ दिन पहले मिला था, द वायर इंग्लिश वेबसाइट में हमने एक स्टोरी की थी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो डिटेल स्टोरी भी देख सकते हैं, स्टोरी की थी। तो ये जिस मकान में रह रहे थे वहाँ के मकान मालिक ने भी इनको खाली करने को बोल दिया मकान, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे रेंट देने को। उसके बाद बहुत सारा उधार हो गया था इन पे, 25,000 का लॉयर भी किया था, लॉयर ने 3 महीने बर्बाद किए, कुछ फ्रूटफुल मिला नहीं, कोई हल नहीं निकाल पाए इनकी दिक्कतों का। तो वो लॉयर में पैसे गए, हॉस्पिटल में माँ का जितना इलाज करा सकते थे कोशिश की इन्होंने, कराया, पर उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए। इनकी माँ को 4 महीने बाद ही जाना पड़ा क्योंकि इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। ये बोलते हैं कि इनकी माँ यहाँ पे आई थी अपने पाँव पे चल के, उनकी तबीयत खराब थी फिर भी वो खुद आई थी, पर वो वापस गई हैं व्हीलचेयर पे, उनकी हालत खराब थी, पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाई, तो वो वैसे गई हैं यहाँ से। बहुत ही दुखद बात है। तो हम इनसे मिले कुछ समय पहले जब ये अपने एक किसी दोस्त के घर रह रहे थे, वो भी एक अफगान रेफ्यूजी हैं, तो उनके कमरे पे रह रहे थे जाकिर नगर में दिल्ली के। हम जब वापस आए शूट करके, अगले ही दिन इन्होंने हमें बताया कि वहाँ के मकान मालिक ने इनको वहाँ से निकलने को बोल दिया है कि एक छोटा सा कमरा है, 7 लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, यहाँ से निकलो। तो निकलने के बाद इनके पास ना पैसे थे ना कोई घर था रहने को, तो ये आ गए UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के ऑफिस के बाहर, और वहीं पे रोड पे ये लोग सोए हुए हैं। इन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि दिल्ली में बारिश हो गई है और बारिश में ये लोग रोड पे ही सो रहे थे, आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, यही इनका मेकशिफ्ट घर है, ये देखिए, ये पेवमेंट पे, ये रोड पे, रोड के किनारे, सड़क के किनारे पेवमेंट पे, ये इनके बच्चे हैं, ये देखिए, ये इनका छोटा बेटा है, ये इनका बड़ा बेटा है, ये खुद वो हैं, उनकी वाइफ है और उनकी बेटी है उधर। तो ये लोग सब यहीं रोड पे ही सो रहे थे। तो मैं फिर आया इनसे मिलने, तो मैं अंदर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिला, उनसे बातचीत की कि क्या हल निकाला जा सकता है। उन्होंने अश्योर किया कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल केस तो डिस्कस नहीं कर सकते पर हम मीटिंग कर रहे हैं और हम इस पर एक्शन लेंगे, पर इनका भरोसा इस पे बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल रहे हैं ये तो बार बार झूठ बोलते हैं, मुझे बहुत बार बुलाया है और कोई एक्शन नहीं लिया है। और इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि नोटबंदी के कारण क्या हासिल हुआ ये हमें पता नहीं, पर नोटबंदी के कारण जितनी भी दिक्कतें हुए हैं, जायज़ दिक्कतें, हाँ, तो नोटबंदी के कारण जितनी दिक्कतें हुई हैं लोगों को, कम से कम उस पर क्या सरकार को कोई कदम नहीं लेना चाहिए कि वो सब एड्रेस किया जाए और जो लोग सचमुच में बहुत दिक्कत में हैं उनकी थोड़ी मदद हो सके। क्योंकि ये तो सीधा सीधा मामला यही है कि नोटबंदी के कारण इनका कैश सीज हो गया, नहीं तो इन पर फाइन लगता और बाकी पैसे इनको वापस हो जाते। वो बोल रहे हैं कि इलीगल टेंडर है इसलिए नहीं ले जा सकते हैं। तो इस पे हमारे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब हम इनसे ही कुछ बात करते हैं, आपको इनसे ही सुनाते हैं कि इनको क्या दिक्कतें हो रही हैं। रहीमी जी, स्वागत है आपका इस पे। तो क्या आप अपनी कहानी एक बार संक्षिप्त में बता सकते हैं, छोटे में आप बताइए क्या क्या दिक्कत हुई है आपको। मेरा देखा जाइए कि
मैं अफगानिस्तान से, हमारा प्रॉब्लम है मेरे फैमिली का, मैं मजबूरी के इधर से आ रही हूँ, इधर से मैं रिफ्यूजी कर दिया हूँ यूनिसीआर ऑफिस का, और इधर से कोई हेल्प नहीं कर दिया मेरे साथ, थोड़ा पैसा भी है वो भी सब खर्चा हो गया, मेरे फैमिली से सेव नहीं कर दिया, मैं भी बहुत टेंशन है मेरे साथ का, मेरे तीन बच्चा है और वाइफ, और मैं भी इधर से खाना भी ज़रूरत है, कपड़ा भी ज़रूरत है, घर भी ज़रूरत है, वो चीज़ भी ज़रूरत है। माई मॉडर से बीमार बेचारे का, वो अफगानिस्तान से आ रही है 5 महीने पहले से, यहाँ से इधर से, वो बेचारा दोनों भी गुद का भी प्रॉब्लम है, वो पैसे उनका पास है 10 लाख रुपये का, वो कस्टम वाला भी मेरा पैसा भी ले लिया, वो भी बात मैं भी वकील कर दिया हूँ बहुत सारा जगह, प्लीज़ कह रही हूँ कि मेरा पैसा वापस दे दो, वो नहीं दे दिया, सब मना कर दिया, बहुत टेंशन कर दिया मेरा। माई मॉडर बेचारा का अभी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अफगानिस्तान से व्हील चेयर जा रही है और वापस गया। आप अफगानिस्तान से यहाँ क्यों आए थे ये बताइए हमारे दर्शकों को। मैं भी इधर उधर से अफगानिस्तान से हमारा बहुत प्रॉब्लम है, मैं भी फार्मेसी हूँ, उधर से एक दुकान है मेडिसिन का, वो मेरे दुकान से बम लगा दिए, मेरे पूरी ज़िंदगी भी ख़राब कर दिए। मैं भी इधर से 14 साल डॉक्टर है मेरे पास का, वो एक पार्ट है हमारा बहुत टेंशन कर दिया कि ये डॉक्टर 14 साल डॉक्टर के 50 साल एज भी दे दो, क्यों क्या मेरे बच्चे भी फ्यूचर भी ख़राब हो गया, ये बेचारा इतना छोटा बच्चा वो 50 साल एज का, ये भी आई डोंट नो भाई, समझ भी नहीं है कि वो क्या सोचे क्या नहीं है क्या चीज़ है। तो क्या आप बोल रहे हैं कि आपको अफगान जो एम्बेसी है इंडिया में उससे आपको हमारे वीडियो के बाद आपको फ़ोन आया, तो उन्होंने आपको क्या बोला ये बताइए। मैं पहले अफगान एम्बेसी के मैक्सिमम 20-25 बार जा रही हूँ कि प्लीज़ हमारा हेल्प करो, प्लीज़ हमारा एक लेटर दे दो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लीज़, वो भी मना कर दिया, सब मना कर दिया, कोई हेल्प नहीं कर दिया, सब झूठ 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 बोल दिया। अभी हमारा आज भी वीडियो के बाद फोन कर दिया कि मैं आपका हेल्प कर दूँ, क्या चीज़ हेल्प कर दिया हमारा, मैं आ रहा हूँ आपका साथ बात कर दिया हूँ, आ जाओ मेरे एम्बेसी का, मैं उसके बता रही हूँ कि मैं बार बार आ रही हूँ, कोई हेल्प नहीं कर दिया, सब झूठ बोल दिया, नहीं जाओ वापस अफगानिस्तान से, अभी क्यों मैं जाओ वापस अफगानिस्तान, आगे टेंशन नहीं हो गया मेरा अफगानिस्तान से, मैं इधर से आ रही हूँ। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपको अफगान एम्बेसी इंडिया में जो है चाणक्यपुरी में, उन्होंने बोला कि आप वापस अफगानिस्तान चले जाओ। हाँ। अच्छा, तो आप अब ये बताइए कि आप क्या जाना चाहेंगे अफगानिस्तान वापस? नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली भी टेंशन है, अगर टेंशन नहीं हो गया मैं इधर से ये इतना भी प्रॉब्लम, इतना भी बिग प्रॉब्लम, मैं यहाँ से वेट कर दूँ, क्योंकि माई फ्यूचर माई बच्चा, अगर मेरा जान भी खतर हो गया कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं भी डेथ, मेरा बच्चा क्या हो गया, मेरा इतना छोटा बच्चा और दूसरा भी मेरे डॉटर का, मेरे वाइफ का, ये भी जान के खतर है। अच्छा, आप एक बार अपनी फैमिली से हमें मिला दीजिए, सबको वीडियो में एक बार ले आइए, मिल लें, ये कौन है ये बताइए। ये माय सोन, इसका नाम हामिद रहीमी है, ये? और ये भी छोटा, ये दानियाल है, दानियाल रहीमी का 5 साल बच्चा है। ये कितने साल का? ये 5 साल। अच्छा, वहाँ पे ये दोनों स्कूल में पढ़ रहे थे? इधर से नहीं, वहाँ अफगानिस्तान से, ये भी खाली भी स्कूल के नहीं है इसके भी, वो क्या चीज़ बोल दिया, ये भी स्कूल जा रही है, ये 4 क्लास भी ख़त्म हो गया, 5 जा रही है, और दूसरे में माय डॉटर है, उनको इधर देखते हैं, बोलिए इधर, इस तरफ लोगों को, ये इनका नाम क्या है? ये सहर रहीमी। अच्छा। ये 14 साल है। अच्छा, और ये भी स्कूल में पढ़ रही है? हाँ, ये 7 क्लास है। अच्छा। और 7 क्लास के ख़त्म कर दिया, आज जा रही है। तो यहाँ पे आप इनको स्कूल भेज पा रहे हैं? हाँ, इधर से मैं भी स्कूल क्या कर दी हूँ, अभी मेरा टेंशन है क्योंकि वो दूर है, बहुत दूर है, वो बोगल है, और मैं भी कोई किराया नहीं है मेरे पास, कोई चीज़ भी नहीं, क्योंकि दे दिन दोबारा स्कूल जा रही है, यहाँ से दूर है, बिल्कुल दूर है। तो आप यहाँ फुटपाथ पे क्यों सो रहे हैं? आपके पास और कोई यहाँ पे आसपास लोग नहीं है जो मदद कर सकते हैं? इधर से सब अफगानी है, इधर से रिफ्यूजी है, सब मुश्किल है, परेशानी है। एक दोस्त है मेरे साथ, वो मैक्सिमम 14-15 दिन में उसका घर हूँ, जाकिर नगर का, वो बेचारे एक ही कमरे है उनके पास, वो बीबी का बीमार है, वो अभी उनका बीबी की हालत भी ठीक नहीं है, वो 15 दिन उधर से मैं गुजारा कर दिया हूँ, उनके भी बेचारा टेंशन है, एक छोटा कर कोई चीज़ भी नहीं है, वो पंखा भी एक खाली एक पंखा भी है, वो अगर उनका मालिक बाहर कर दिए वो भी टेंशन, एक दूसरा भी फामिल हो गया, मजबूरी है कि मैं भी खाली करूँ, क्योंकि 7 लोग एक ही कमरा भी, वो मालिक भी टेंशन कर दिया। तो अभी आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? आपके पास तो पैसे हैं? मेरे पास अभी अभी है मेरे पास 1000 रुपये का, सिर्फ 1000 रुपये हैं। यस। तो आपका खाना पीना यहाँ पे कैसे हो पा रहा है? मजबूरी है, समझ मजबूरी के गुजारा करूँ, क्या करूँ। तो आपका ये गवर्नमेंट को अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे, अगर कोई गवर्नमेंट से ये देख रहा है तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये कैमरा में देख के एक बार बोलिए उनके, मैं खाली प्लीज़ करूँ, प्लीज़
ये मेरे पैसे वापस दे दो कि मेरे बच्चे भी सेव हो गया, मेरे लाइफ की सेव हो गया, प्लीज। ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं। तो अभी हमने बात की अब्दुल रऊफ रहीमी जी से, जो यहाँ अफगानिस्तान से आए हुए हैं। इनकी पूरी कहानी हमने बताई है अभी आपको। जो लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि किस बारे में है ये, तो अभी कुछ टाइम में मैं ये वीडियो एंड करूँगा तो आप वापस जाके इसको देख सकते हैं। हमने वायर में ये स्टोरी की भी, सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट किया। वो वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या द वायर डॉट इन वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इनकी कहानी पूरी हमने बताई है, क्या दिक्कतें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, तो वहाँ पे जाके आप पूरी कहानी सुन सकते हैं या वापस इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी मैं इनके साथ ही हूँ, यहाँ पे हैं ये, इनको बहुत, आप देख सकते हैं कि रोड पे सो रहे हैं। मौसम भी उतना अनुकूल नहीं है, बहुत गर्मी है, दिन को कभी बारिश हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को पैसे नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है इनकी। तो हम बस यही अपील कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के पास ये आवाज़ पहुँचे और इनको किसी तरह की थोड़ी मदद मिल सके, ताकि एक डिग्निफाइड, इज्जत वाली ज़िंदगी, एक शेल्टर कहीं, कुछ खाना अपना या कुछ रोज़गार में ही मदद, कुछ भी कर सकें। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान वापस जाना इनके लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। लाइव ज्वाइन करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आया था कि इनको मदद कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि हम पैसे देना चाहते हैं, तो इनके पास बैंक अकाउंट है नहीं, तो डायरेक्ट इनको कोई पैसा अभी भेजा नहीं जा सकता है। हमने UNHCR में बोला है कि कोई तरीका ऐसा सेटअप हो सके जो इनकी तरफ चैनलाइज करा जा सके पैसा, तो वो हमें बताएंगे जब, तो हम आपको भी अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा सके। इतना कर सकते हैं कि सरकार पे थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं कि ताकि इनको जल्दी से जल्दी सरकार की मदद मिले। क्योंकि पैसे इनके पास हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इनके पास 10 लाख रुपए थे जो लेके आए थे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं हैं इनके पास, पैसे हैं, पर वो पैसे अब सरकार के पास हैं, सीज कर लिए गए हैं, जो इनको नहीं दिए जा रहे हैं वापस। तो सिर्फ इनको लीगली वो मदद मिल सके और सरकार का इंटरवेंशन मिल सके कि इनको वापस इन्हीं के पैसे मिल जाएं, तो इनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, और कुछ इस स्टोरी में होगा तो हम आगे आपको अपडेट करेंगे। लाइव ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद।